हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 8 का, लाइट या प्रकाश। और आज हम इसमें पढ़ेंगे एन इमेज फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना, यानी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसे बनता है। तो बच्चों, एज वी ऑल नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, हाउएवर द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। यानी हम जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बनने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने के लिए तुरंत समाप्त नहीं होता। अब ये होता क्या है कि ये लगभग 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर बना रहता है, यानी इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट 16 और ए रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, देन द आई विल एक्सपीरियंस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक ए मूवी। यानी यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब देखें, तो नेत्र को यह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप कर सकते हैं। छोटा सा क्रियाकलाप है बच्चों, एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी क्या है जरा देख लेते हैं बच्चों। एक्टिविटी में क्या करना है कि टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद अ डायमेंशन बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर, यानी 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लेना है। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद किए जाने हैं। इन दोनों छेदों के में एक धागा पिरोना है, यानी मेक 2 holes ऑन द राइट एंड लेफ्ट एजेस ऑफ द कार्डबोर्ड एंड इंसर्ट ए स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द 2 holes। Paste a cage on the front side of the cardboard and a bird on the flip side. Hold the string from both sides and twirl the string many times. After that, release it. यानी करना क्या है, गत्ते के एक और पिंजरे तथा दूसरी ओर पक्षी बनाकर उनका चित्र चिपकाना है। धागे को मोड़कर उसमें ऐठन डालकर धागे के दोनों सिरों को खींचना है ताकि धागे की ऐठन खुल जाए। तो अब क्या देखेंगे हम, कि हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। यानी वाइल डूइंग द अबव स्टेप वी सी द कार्डबोर्ड मूविंग फास्ट विच क्रिएट द इल्यूशन दैट द बर्ड इज इनसाइड द केज। अब एक और दिलचस्प बात है बच्चों, क्या कि डू यू नो द सेम फिनोमेनन हैपन्स वाइल वी वॉच ए मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 images आर फ्लिप्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। दिस कन्फ्यूजेज द आई टू बिलीव वी आर वॉचिंग ए मूवी। कि क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं, कि दरअसल चलचित्र में 1 सेकेंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम इसे देख रहे हैं कि वो चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली बच्चों, इसमें क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं। पहली है आपकी जो इम्प्रेशन ऑफ इमेज है 1/16 सेकेंड तक रहता है, और इससे ऊपर अगर जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि वो जो वस्तु है या उसका जो प्रतिबिंब है या चित्र है वो चलता हुआ है, यानी कि वो क्या है, एक्ट एज ए मूवी। और अगर ये 24 से ऊपर चले जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि हम वॉच कर रहे हैं मूवी को, यानी 1 सेकेंड में अगर 24 तक चला जाता है तो हमें क्या लगता है कि हम किसी मूवी को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला वीडियो पार्ट हो गया आज वर्कशीट का कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।